Hello and good morning dear students, welcome back to our social science class. Today we are going to start chapter number 11. Chapter is finding the way, yani ki hum log apna jo find karte hain, khojte hain kahan se hamara rasta milta hai, usi pe aapka ye chapter hai aaj today ka. As we all know, the sun help us to find direction. The main four direction is north, south, east and west. So let's start our chapter reading now. Direction help us find the way. We use four sight to give information about the position in relation to others around us. जो direction है यानी कि दिशा, वो हमको रास्ता खोजने में मदद करता है. We use four sights of to give information. और हम अपने आस पड़ोस में जब भी अपने आस पास में देखते हैं तो हम अपने ही पड़ोस से उसको देखते हैं कि हमारे चारों ओर कौन कौन सी दिशाएं हैं और उसको हम खोजते हैं. द मेन फोर डायरेक्शन, फोर डायरेक्शन है आपके यहाँ पे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शन, यानी कि चार मेन दिशाएं हैं. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सबको पता है कि जो सन है राइज करता है यानी कि उगता है, वो कहाँ पे? ईस्ट में. और सेट यानी कि डूबता है, वो वेस्ट में. द सन हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन, और जो हमारा हेल्प करता है डायरेक्शन में, दिशा के ज्ञान में, वो हमारा हेल्प करता है कौन? तो वो सन करता है. एज राधा स्टैंड इन द पार्क अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन, जो राधा नाम की लड़की है वो अपना जो फेस है मॉर्निंग में अपना जो है वो जो राइजिंग सन है यानी कि उगता हुआ जो सूरज है उसकी तरफ अपना फेस कर लेती है. हर फेस विल पॉइंट टूवर्ड द ईस्ट बिकॉज द सन ऑलवेज राइज इन द ईस्ट. और जो हम इससे इंडिकेट करते हैं कि जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में, तो उसका जो मेन डायरेक्शन हो गया ईस्ट, उधर हो गया उसके फेस की तरफ. बिहाइंड हर बैक इज द वेस्ट, और जस्ट उसके पीछे क्या हो गया? वेस्ट, जहां पे सन सेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सामने हो गया आपका ईस्ट और जस्ट पीछे क्या हो गया? वो वेस्ट, यानी कि सूरज उगा आपके इधर सामने से और पीछे डूब गया. नाउ इफ राधा स्ट्रेच हर्ट हैंड्स हर राइट हैंड विल पॉइंट टूवर्ड्स. उसके बाद जो राधा नाम की जो लड़की है उसने अपने हाथों को फैलाया तो राइट हैंड उसका पॉइंट करता है साउथ को और लेफ्ट हैंड क्या करता है पॉइंट? वो नॉर्थ को. तो हम सन के हेल्प से अपना डायरेक्शन यानी कि दिशाओं को हम पता लगा लेते हैं. सब डायरेक्शन यानी कि जो हमारे सब डायरेक्शन है, जस्ट वी हैव द फोर मेन सब डायरेक्शन. देयर आर फोर सब डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट इन द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट. नॉर्थ वेस्ट इन द डायरेक्शन बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट. साउथ ईस्ट इन द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट. साउथ वेस्ट इन द डायरेक्शन बिटवीन द साउथ एंड द वेस्ट. यानी कि उप डायरेक्शन यानी कि जो दिशाएं होती हैं, जो मेन होती है उनके ये उप दिशाएं हैं. डायरेक्शन ऑन ए मैप. मैप सबको पता है कि जो मानचित्र होता है उसको हम मैप बोलते हैं. तो जो मैप होता है उससे भी हम दिशाओं का पता लगा लेते हैं. ए मैप इज द ड्रॉइंग ऑफ ए प्लेस ऑन ए पेपर. एक पेपर पे जो मैप बना रहता है. द डायरेक्शन ऑफ ए नेबरहुड ए टाउन और ए सिटी ए कंट्री और ए कॉन्टिनेंट कैन बी शो ऑन द मैप इजली और एक्यूरेटली. हम मैप के जरिए भी एकदम एक्यूरेट हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सा ओशन कहाँ पे है. लुक एट दिस मैप. अब बुक में आप देखेंगे कि मैप दिया हुआ है. द टॉप ऑफ द मैप शो द नॉर्थ. जो सबसे ऊपर होता है मैप में वो नॉर्थ होता है. और बॉटम साइड द साउथ यानी कि सबसे नीचे हो गया साउथ. उसके बाद राइट साइड में ईस्ट हो गया और लेफ्ट में हो गया वेस्ट. तो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. Thank you. Have a nice day.